आज पहुंचा सीपी कनॉट प्लेस हनुमान मंदिर। इस मंदिर का वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज है, इसकी एक मान्यता है कि यहाँ 24 घंटे मंत्र उच्चारण चलता रहता है। आज मंदिर में दर्शन करने के लिए आया हूँ, या कुछ भजन वजन चल रहा है। मंदिर में प्रवेश कर चुका हूँ और 1 अगस्त 1964 से ही इस मंदिर में मंत्र उच्चारण चलता रहता है, जय जय सियाराम। और मैंने अभी प्रसाद नहीं लिया है, प्रसाद लूंगा उसके बाद मैं मंदिर में प्रवेश करूंगा, क्योंकि अभी काफी ज्यादा लंबी लाइन है आगे तक। और मैंने 50 रुपये प्रसाद ले लिया है बजरंगबली के चढ़ाने के लिए, और फिर मंदिर में चलेंगे। अभी मंदिर काफी ज्यादा भीड़ है, भीड़ देखते हुए प्रसाद जो दिया है बूंदी और पेड़े का प्रसाद है, और मंदिर में बजरंग बली को चढ़ाएंगे और कुछ मन्नत मांगेंगे उनसे। भीड़ देखता हूँ मैं कितनी इसमें। बजरंग बली के अब जल्दी ही दर्शन होने वाले हैं, बस मंदिर में आप पहुंचने वाले हैं। हम लोग जेंट्स की लाइन है ये, और इधर लेडीज की लाइन है। बजरंगबली के दर्शन हो चुके हैं और मंदिर के चारों तरफ घूमेंगे और दर्शन करेंगे और आगे दर्शन करते हैं। ये पंचमुखी हनुमान जी हैं, पंचमुखी हनुमान जी परिक्रमा कर रहे हैं मंदिर के अंदर ही अंदर। मंदिर काफी ज्यादा बड़ा मंदिर है, ये भोलेनाथ की मूर्ति है, बहुत सुंदर है, काफी ज्यादा सुंदर है। परिक्रमा करते हुए निकलेंगे यहाँ से। जय भोलेनाथ की जय, और अब हम मंदिर से बाहर चलेंगे और बाहर जाके कुछ देखेंगे क्या क्या सदी गई है यहाँ पे। और मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे कृष्ण कुमार का भी भजन चल रहा है, अंग्रेज कुछ अंग्रेज हैं जो यहाँ बैठे हुए हैं, ये देखिए ये अंग्रेज लोग हैं। हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्णा हरे कृष्णा। काफी ज्यादा यहाँ पे भक्त लोग आते हैं, और जूते चप्पल का भी यहाँ पे कोई वो नहीं है भैया कि जूते चप्पल कहाँ जमा होंगे। जूते चप्पल आप कहीं भी रख दीजिए, किसी की भी निगरानी में कुछ पैसे दान कर दीजिए, यही हो सकता है। मेरे को तो कहीं दिखा नहीं कि जूते वूते के चप्पल का भी कहीं पे यहाँ पे व्यवस्था दी गई है कि यहाँ पे जूते चप्पल जमा हो सके मंदिर में। मंदिर के बाहर ही प्रसाद मिलता है, प्रसाद में आपको दिखाता हूँ क्या क्या चीज़ का प्रसाद यहाँ मिलता है। बूंदी और पेड़े वगैरह बर्फी वगैरह भी है यहाँ पे। मैं तो मंदिर से बाहर आ ही चुका हूँ और भीड़ अभी भी काफी ज्यादा लंबी लगी हुई है, दिखाता हूँ। काफी ज्यादा भीड़ है मंदिर के अंदर। ये मंदिर जो है मंगलवार और शनिवार को सुबह 5:30 बजे से लेकर रात 11 बजे तक खुला रहता है, और बाकी दिन जो है 6 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक खुला रहता है। काफी श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं, काफी अच्छा लगता है। मंदिर में आएंगे अब बजरंगबली के, और ये कनॉट प्लेस में ही है। यह बहुत प्राचीन मंदिर है, 1964 का, ये 1 अगस्त 1964 का ये मंदिर बना हुआ है। पहले मैं कचौड़ी खाऊंगा, फिर चाय पीऊंगा और फिर यहाँ से चलूँगा कनॉट प्लेस के अंदर घूमेंगे थोड़ा सा। तो भाई मैंने कचौड़ी ले ली है, एक प्लेट 30 रुपये की दी है इन्होंने, एक कचौड़ी एक प्लेट, एक कचौड़ी डालते हैं और ये लोग 30 रुपये लेते हैं। इसने कुछ खट्टी वाली चीज़ डाल दी थी, मुझे हल्की हल्की सी खट्टी लग रही है। इस चाय वाले के पास इतनी भीड़ है ना कि मत पूछो, कम से कम नहीं क्या उसके पास आदमी खड़े हैं, 50 आदमी खड़े हैं ऑलरेडी। और भी एक दो चाय वाले हैं लेकिन उससे कोई चाय नहीं ले रहा, तो मैंने सोचा कि मैं भी चाय पीऊँ तो उसी से पीऊँ, क्योंकि भीड़ लगी है तो जरूर कुछ खास बात होगी भाई चाय के अंदर, तो चाय में तो उसी से पीऊँगा। और
उसने कहा है 5 मिनट रुक जाने के लिए, दबा के अदरक डाल रहा है और दूध खोला खुला के लेके डाल रहा है उसके अंदर। चाय वाले पास चलेंगे, ये भीड़ है चाय वाले पे, कितने लोग खड़े हैं चाय पीने के लिए। हो गई भैया चाय, ये चाय खोल दिए इसके लिए, रुकते हैं थोड़ी देर और 5 मिनट और वेट करते हैं, उसके बाद चाय पियेंगे। भाई चाय देने लगा, ये चाय देने लगा वरना चाय खत्म हो जाएगी इसके पास से। भाई ऑफिशियली मुझे चाय मिल गई है, कुल्लड़ वाली मैंने चाय ली है, 20 रुपए की दी है चाय। बजरंग बली के सेना बैठी हुई है, भाई मैंने गूगल में पढ़ा है कि अब कहते हैं कि बजरंग बली अभी कहाँ है, तो बजरंग बली जो है रामेश्वर गंध मादन एक पर्वत है जो कैलाश की उत्तर दिशा में स्थित है, जिनका वर्णन जो है ना ग्रंथों में और पुराणों में किया जाता है, वो निवास वहीं पे है। जब मैं 4 बजे आया था ना, यहाँ पे 4 बजे होंगे, तब काफ़ी ज़्यादा लंबी भीड़ थी, बहुत ज़्यादा लंबी भीड़ थी, लेकिन अब देख रहा हूँ 5:30 हो गए अभी, यहाँ पे लाइन जो है ना खाली हो गई है। वैसे तो आज मंगलवार ही थी ना, भीड़ ज़्यादा अब कम हो गई है भीड़। अगर कोई शाम को आएगा और आकर के बजरंग बली के दर्शन करता है ना मंगलवार को, तो शाम को ही आए और लाइन खाली मिलेगी उसको। काफ़ी ज़्यादा लोग जो है ना निकाल से 2 या 3 बजे से लाइन में लग जाते हैं और भगवान जी के दर्शन करते हैं और घर पे निकल जाते हैं। और आज मैं बजरंग बली से वरदान मांगने आया था कि आज मेरा कुछ हो जाए, उद्धार करते हैं और अयोध्या जाने के लिए कुछ रास्ता दिखाएं और पहुँचा दें वहाँ तक। हनुमान मंदिर जी के जस्ट बगल में ना एक प्राचीन शिव नवग्रह मंदिर है और उसके बगल में श्री गणेश जी मंदिर है, ये नवग्रह मंदिर है इस तरह से, और वो श्री गणेश जी का मंदिर है। चलता हूँ और देखता हूँ, गणेश जी के भी दर्शन करते हैं और नवग्रह के भी दर्शन करते हैं, अगर यहाँ तक आए हैं तो यहाँ तक आने के बाद तो मंदिर में भी दर्शन कर लें तो भी ठीक है। चलते हैं मंदिर के अंदर, हाथों धोते हैं, हाथों धोने के बाद फिर दर्शन करेंगे। तो भाई मैंने यहाँ भी दर्शन कर लिए हैं क्योंकि 5:30 बज गए हैं, तो यहाँ भी मंदिर में धीरे धीरे चला रहे हैं, जला रहे तेल वेल के। आज मंगलवार के दिन भी जलता है क्या भैया? शनि मंगलवार के दिन भी जलाते हैं, ऐसा क्यों? शनिवार को जलाते हैं ना, शनि मंगल दोनों को तो अच्छा रहता है। मैं भी सोच रहा हूँ कि मैं भी एक बार जोत जला दूँ शनिवार जी के पास, वैसे मंगलवार है, शनिवार जी की मूर्ति यहाँ पे सभी ने जला रखी है, मैं भी जलाऊंगा यहाँ पे और पूजा करते हैं उसके बाद में फिर। श्री गणेश भगवान की परिक्रमा हो रही है गणेश भगवान जी की। अब तो हमने पूजा भी समाप्त कर ली है और अब अपन चलेंगे घर की तरफ। इस मंदिर में काफी अच्छा लगा और गणेश भगवान जी की हमने परिक्रमा की भी की, कंधे पे उठा करके एक चक्कर लगवाया गणेश भगवान जी को और काफी अच्छा लगा। फिर उसके बाद आरती हुई, आरती होने के बाद अब प्रसाद साथ लेकर के फिर नौ ग्रहों की पूजा करने के बाद हमने प्रसाद साथ लिया और मैंने कुछ दान भी किया और उसके बाद मैं अब निकल रहा हूँ। काफ़ी टाइम हो गया, 7 बजने वाले हैं, 1 घंटा कम से कम आरती चली है, तो अब चलते हैं।